नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है यह राहु ग्रह को लेकर है कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में, यानी कि आपके लगन में राहु ग्रह विराजमान हो तो आपको उसका क्या फल देखने को मिलेगा, क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको इसके उपाय बताऊंगा ताकि आपके जो जीवन में बुरे प्रभाव आपको मिल रहे हैं राहु ग्रह की वजह से, वो सब बेहतर और ठीक हो जाए। दर्शकों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान करवाया था, लेकिन वहां पे छल से, धोखे से स्वर्ण भानु राक्षस ने अमृत पान कर लिया था, जो कि सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था, सूर्य चंद्रमा पहचान गए थे, और उन्होंने जाकर विष्णु भगवान जी को बताया और विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से उनका जो गला काट दिया था। लेकिन जब उनका गला काटा तो जो अमृत था वह गले से नीचे जा चुका था, जिसकी वजह से वह अमर हो गए और उनका जो सर और जो उनके पैर थे वो अलग हो गए। तो दर्शकों, यहां से ही आप समझ गए होंगे कि राहु देव एक छल ग्रह, एक धोखेबाज और एक छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु ग्रह से आज के समय में हर कोई डरता है, हर कोई कांपता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, बड़े बड़े नेता हो, बड़े बड़े मंत्री हो, हर कोई राहु ग्रह के नाम से, राहु ग्रह के प्रभाव से डरता है और उसके उपाय करता है। दर्शकों, राहु और केतु की अपनी कोई स्वग्रही राशि नहीं होती, यानी कि कोई इनकी अपनी राशि नहीं होती, और सूर्य और चंद्रमा इनके अति दुश्मन माने जाते हैं। यानी कि जब जन्म कुंडली में राहु और सूर्य, यानी कि राहु और चंद्रमा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु और केतु विराजमान होते हैं तो ग्रहण लग जाता है। बाकी और ग्रह के साथ भी ये बैठते हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष बन जाता है जब राहु के साथ कोई ग्रह बैठता है। तो राहु मंगल अंगारक दोष, राहु गुरु गुरु चंडाल दोष, राहु शनि श्रापित दोष। तो राहु एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसे पाप ग्रह है जो कि किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उनको प्रभावित करते हैं और बुरे फल प्रदान करते हैं। राहु देव एक छल ग्रह माने जाते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं, और जितने भी गैर परंपरावादी काम होते हैं, यानी कि जो कानूनी तौर पर बुरे माने जाते हैं और उनका जो कानूनी तौर पर उनको सजा के लायक माना जाता है, वो सारे काम राहु के अंडर में आते हैं। यानी कि चोरी, षड्यंत्र, धोखेबाजी, काला जादू, ब्लैक मैजिक, किसी के ऊपर छाया करना या जादू टोना करना, वो राहु के ऊपर आता है। मदिरा पान, नशा करना, गांजा, दारू पीना, सिगरेट पीना, नशे की नशीली पदार्थ कोई भी सेवन करना, वो सब राहु के अंडर में आता है। झूठ बोलना, चुगली करना, ये सब राहु के अंडर में आता है। इधर के उधर लगाना, डिप्रेशन करना या लोगों को बेवकूफ बनाना, ये सब राहु के ही काम है। और कुल मिलाकर जितने भी पाप होते हैं, जितने भी इंसान जो पाप करता है, जो मन से वो डिप्रेशन जाता है या झूठ बोलता है, जो भी वो पाप की तरफ जाता है, उसमें राहु देव का ही हाथ होता है। तो दर्शकों, अगर आपके फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह विराजमान होंगे तो जो उनकी दृष्टि है वो पांचवे, सातवें और नौवें हाउस पे पड़ेगी, यानी कि फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ हाउस पे दृष्टि पड़ेगी। और जब फर्स्ट हाउस में राहु देव विराजमान होंगे तो यह गैर परंपरावादी काम करवाते हैं, यानी कि जो भी काम समाज से हटकर हो, जैसे कि झूठ बोलना, नशीली पदार्थ, नशीली चीजों का सेवन करना, ये ज्यादा हो जाता है, नीचे लोगों से मित्रता करना, अपने ही घर में झूठ बोलना, ज्यादा ही चलाकी दिखाना, ब्लैक मैजिक पर विश्वास करना, काला जादू पर विश्वास करना, जुआ, सट्टेबाजी, इन सब चीजों में पड़ना। और साथ ही साथ जो फर्स्ट हाउस का राहु होता है यह बहुत ही ज्यादा चतुर, बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा चलाक बनाता है, लेकिन साथ ही साथ इंसान को सही क्या है और गलत क्या है यह पता नहीं चलता, क्योंकि कभी कभार वह जो उसका मन है वो सोचता क्या है और कर क्या लेता है और करता क्या है उसको पता नहीं चलता कि मैंने ये सही किया है या गलत किया। यानी कि जो मन होता है, जो इंसान का दिमाग होता है, वो पूरी तरह से गलत चीजों पे ज्यादा भागता है सही चीजों को छोड़कर। वहां से राहु देव की पांचवी दृष्टि फिफ्थ हाउस पे पड़ती है, जिसकी वजह से एजुकेशन के भी क्षेत्र में परेशानी देखने को मिलती है। यानी कि पढ़ाई अगर आप जो करते हो, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने में आपका पूर्ण ध्यान नहीं होता और अच्छी आपकी जो शिक्षा होती है वो अच्छी नहीं होती। साथ ही साथ सेवंथ हाउस पे दृष्टि पड़ने से वैवाहिक जीवन में भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहती और वैवाहिक जीवन में तालमेल अच्छा बना नहीं रहता, पार्टनरशिप अच्छी नहीं होती है, पत्नी के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं होते। यानी कि राहु जो होता है वो डाइवोर्स कराने के लिए भी माना जाता है।
यानी कि डाइवोर्स का कारक भी राहु है। उसके बाद भाग्य पर दृष्टि होने से राहु देव की, यह भाग्य पर भी जो है प्रभाव डालता है, भाग्य में अड़चने करता है, भाग्य साथ नहीं देता या भाग्य में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सब चीज जो राहु देव फर्स्ट हाउस में होता है तो कुल मिलाकर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ से इसकी दृष्टि जो होती है वो पांचवें, सातवें और नौवें हाउस पे पड़ती है। अब दर्शकों आपको क्या करना चाहिए कि राहु देव जो है आपसे बुरे काम या जो ये बुरे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं सब ना मिले और अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिले, जो भी बुरे काम हो रहे हैं वो ना हो। जैसे आप डिप्रेशन में हैं, मानसिक तनाव में हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है, भाग्य है, आपका शिक्षा है, उन सब में आपको सफलता नहीं मिलती, तो राहु देव क्या उपाय करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सटीक रहेंगे। सबसे पहले दर्शकों आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें निरंतर, साथ ही साथ शिवलिंग पर रोजाना आप जल चढ़ाएं, पक्षियों को बाजरा खिलाएं और साथ ही साथ राहु ग्रह के बीज मंत्रों का उच्चारण करें। राहु देव के जो बीज मंत्र हैं वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रहवे नमः। इस मंत्र का रोजाना जाप करें 108 बार, तो निश्चित ही दर्शकों अगर आप यह उपाय करते हो तो राहु देव के जो प्रभाव हैं वो आपके जीवन पे नहीं पड़ेंगे। तो दर्शकों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।